भिवंडी शहर MIM के उपाध्यक्ष बने मुस्तकीम मोमिन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि कोई चुनाव नहीं है और इस बीच सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर बात की जाए MIM के भिवंडी शहर के कार्य अध्यक्ष सदा उस्मानी के कार्यालय पर आज मुस्तकीम मोमिन को जो है भिवंडी शहर के उपाध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र दिया गया, जहाँ पर हम आपको पहले तो दृश्य दर्शा रहे कि आप देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा के साथ में मुस्तकीम मोमिन और उनके सहयोगी मित्रों का स्वागत किया गया। उसके बाद सदाब उस्मानी की उपस्थिति में उनकी अध्यक्षता में भिवंडी शहर का उपाध्यक्ष का नियुक्ति पत्र मुस्तकीम मोमिन को दिया गया। वहीं हमारे चैनल की टीम ने विशेष तौर पर भिवंडी शहर में चल रहे उद्घाटन यानी कि ओपनिंग को लेकर जो घमासान सा मचा हुआ है कि विकास की गंगा जो है काफ़ी तेज़ी से बह रही है, एक ही एम्बुलेंस का 3 पार्टियों ने उद्घाटन किया। इस बीच हमने सदाब उस्मानी से बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में विरोधियों पर निशाना साधा और क्या काम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वहां पर उपस्थित MIM के सीनियर लीडर अब्दुल्ला सांजरी, अयान शेख, फैजान खान और कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में दिखाई दिए। एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाकर वहाँ पर खुशियाँ जाहिर की गई। देखिए इस विशेष खबर को। सबसे पहले तो मैं सदाब उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे इस काबिल समझा, और पॉलिटिक्स में तो मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन आज जो हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी साहब काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं उनको, तो इनका काम देख के मेरे को भी MIM पार्टी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट आ गया और मैं इसमें हूँ। सदाब उस्मानी साहब के साथ काम करूँगा इंशाल्लाह, उनके भरोसों को नहीं तोड़ूंगा। से आज यहाँ पर वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई तो जानकारी देंगे, क्या विश्वास जताते हैं और आगामी चुनाव को लेकर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए हम संगठन पे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि भिवंडी में वोटरों के भरोसे को यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स ने शोषण किया है। वोटर जिस सोच से इलेक्शन में वोट डालता है वो विकास, वो तरक्की तो बहुत दूर की बात, इलाके में आम सहूलियात का भी फुकदान है, आम सहूलियात भी मैसर नहीं है। इसी को देखते हुए हमने इस नौजवान पर भरोसा किया है। मुस्तकीम मोमिन के माध्यम से हम ना सिर्फ पूरे शहर में संगठन खड़ा करेंगे, साथ ही साथ ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वार्ड नंबर 8 में हम इस तरह संगठन बांधेंगे कि आने वाले आगामी चुनाव में आपके माध्यम से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नुमाइंदा वहाँ से कामयाब हो, और जिस तरह मुल्क में बैरिस्टर असद अवैसी साहब मजलूमों की, इस देश के वोटरों की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं, मुस्तकीम मोमिन साहब जो है उस वार्ड की नुमाइंदगी करते हुए उस वार्ड की आवाज़ बने, ऐसे हमारी सोच है। आपके चैनल के माध्यम से मुस्तकीम मोमिन साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ, साथ ही साथ पूरे शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ कि बहुत हो गया, नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुल्क के संविधान का इस्तेमाल करते हुए अगर आपको आगे बढ़ना है तो एकमात्र आवाज़ है वह है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप इससे जुड़ जाइए और अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपके जो भी आपके इलाके में तरक्याती काम रुके हुए हैं, जो भी आम सहूलियात के मसाइल रुके हुए हैं, उसको हल करने के लिए आप आगे आए। कहीं जिस हिसाब से आज शहर में जो है विकास के काम को लेकर काफ़ी ओपनिंग किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि शहर में जो है विकास के काम को अनदेखा कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ओपनिंग तो दररोज प्रतिदिन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ वोटरों के भरोसे का शोषण कर रहे हैं, केवल ओपनिंग ही तो हो रही है। एक RCC रोड 2018 में पास हुआ, 52 रोड, आज तक ओपनिंग 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 ओपनिंग, कम से कम 50 ओपनिंग हो चुकी होगी। 52 रोड में 50 ओपनिंग हो गई, रोड चार भी नहीं बन पाया हो अभी तक। एक एम्बुलेंस आई, एकमात्र एम्बुलेंस, 3 विधानसभा वाला जो हमारा भिवंडी शहर वो ग्रामीण 3 विधानसभा का मतदार क्षेत्र है, एक एम्बुलेंस आई, 3 ओपनिंग हो गई, 2 ओपनिंग बाकी है। NCP कांग्रेस समाजवादी ने ओपनिंग कर दी, शिवसेना और कांग्रेस से भी, शिवसेना और BJP से भी हमें अपेक्षा है ओपनिंग करेंगे ज़रूर। तो जो हमारे शहर को चाहिए वो ये नेता दे रहा नहीं है, तो
तो मैं तो बोलता हूँ कि ओपनिंग की महामारी हमारे शहर में आ चुकी है और इस महामारी को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा।